उसके क्वेश्चन रिपीट हो गए, अब ये किसी के हाथ में नहीं है, एग्जामिनर के हाथ में है। तो या तो एग्जामिनर को दोषी ठहराते हैं या कोई करते हैं। ग्रुप डी का जो है 20 और 21 तारीख को वो सीईटी द्वारा यानी होगा, वो पहली बार होना, एक ही बार होना वो होगा, जिस दिन होगा उससे अगले दिन उसका रिजल्ट डिक्लेयर करके उसकी भर्तियां हो जाएंगी। अगर होता है तो 15 से 20 दिन तक बाकी सारे एग्जाम के तैयार है सब, डेट 7 दिसंबर में नया भी हो सकता है, ग्रुप सी हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आर यूट्यूब चैनल द केन इंडिया में। इस वीडियो में हरियाणा सीईटी भर्ती को लेकर आई नई अपडेट पर बात करेंगे। कल सीएम मनोहर लाल ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान सीईटी भर्ती को लेकर जो कुछ कहा था उसको लेकर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दैनिक सवेरा के सवाल पर ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती पर यह जवाब दिया कि यदि हाईकोर्ट से अनुमति मिली तो 15-20 दिनों में ग्रुप सी के बचे ग्रुपों का पेपर ले लेंगे। एक भर्ती रोको गैंग सक्रिय है जो किसी न किसी बहाने अदालत से स्टे ले आता है। सीएम से कहा गया कि अगर ग्रुप सी की भर्ती पूरी हो गई तो इस साल ग्रुप का सीएटी लेंगे या नहीं, इसको लेकर उन्होंने डिटेल से यह जानकारी दी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया रुकने और आगे भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के दैनिक सवेरा के जवाब दिया कि हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के 15-20 दिन के भीतर ग्रुप सी के बचे ग्रुपों के पेपर करा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा समेत कई राज्यों में एक भर्ती रोको गैंग सक्रिय है जो किसी न किसी बहाने अदालत से एस्टे ले आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ग्रुप सी की भर्ती पूरी हो गई तो ग्रुप सी का सीटी इस साल ले लेंगे, अन्यथा नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दैनिक सवेरा ने कहा, एक भर्ती से जुड़ा मामला है क्योंकि सब लोगों की निगाह भर्ती पर लगी हुई है, एचएसएससी और एचपीएसएससी पर। एचपीएससी की तो चलो ग्रुप ए और बी की भर्तियां कम होती हैं, एचएसएससी की सारी भर्तियां 3 महीने से लगभग बंद सी हो गई हैं क्योंकि हाईकोर्ट में अपील डाली जिससे आप वाकिफ हैं, और ग्रुप 56-57 का पेपर हुआ मगर और किसी ग्रुप का पेपर हो ही नहीं रहा। एचएसएससी ने कोई अनुमति भी नहीं मांगी कि जो बचे हुए ग्रुप हैं उनके पेपर भी ग्रुप 56-57 की तर्ज पर करा दे। दैनिक सवेरा ने पूछा कि इस मामले को कैसे डील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दैनिक सवेरा के सवाल का यूं जवाब दिया, पहली बात तो यह है कि यह नया सिस्टम सीईटी का खड़ा किया है, इस पर कई दिमाग लगे हैं, कई योजनाएं और प्लानिंग चल रही हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग बनाने में कोर्ट के लोग होते नहीं हैं। पहले प्लानिंग बन जाती है, उसे घुमाने के लिए जो तैयार बैठे हैं, भर्ती रोकने के लिए जिसे भर्ती रोको गैंग कहते हैं, यह भी हरियाणा में नहीं बल्कि कई प्रदेशों में सक्रिय है कि कहीं सरकार को इसका श्रेय न जाए। छोटी छोटी बातों को लेकर कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट वाले उसे बिना देखे समझे पढ़े, एसटीएवाई 4 अक्षर का एक बड़ा शब्द, स्टे फटाफट लग जाता है। ग्रुप 56-57 का भी यही हुआ, पहले 56 का पेपर होना था मगर स्टे लग गया। हम डबल बेंच में गए तो एक दिन पूरा लग गया उसमें, इसलिए 56 हमको बदलना पड़ा, अगले दिन लेना पड़ा इसलिए पहले 57 हो गया। ग्रुप 56 में सवाल रिपीट हो गए। अब यह किसी के हाथ में नहीं है, एग्जामिनर के हाथ में है, या तो एग्जामिनर को दोषी ठहराते या कोई करते। उन्होंने स्टे लगा दिया, स्टे लगाने के बाद कहा कि इसका रिजल्ट डिक्लेयर घोषित नहीं करेंगे और आगे भी एग्जाम नहीं लेंगे, यह भी उसमें कि आगे एग्जाम नहीं ले सकते, जब तक वह फैसला नहीं होता तब तक एग्जाम नहीं ले सकते, इसलिए प्रोसेस तो रुका। हां, ग्रुप डी का 21 और 22 अक्टूबर को सीटी होगा, यह पहली बार होना है, एक ही बार होना है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि आपने कहा था कि ग्रुप सी का सीटी हर साल होगा, तो क्या इस साल सीटी होगा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तर दिया, ग्रुप डी का सीटी तो हो रहा है लेकिन ग्रुप सी का तो पहले वाला क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कैसे आगे बढ़ेंगे? दैनिक सवेरा ने पूछा कि इस साल ग्रुप सी का सीईटी संभव नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया, नहीं, अगर यह रिजल्ट क्लियर हो जाता है
और कोर्ट में मुझे लगता है कि अगली तारीख में कोर्ट में भी हो जाना चाहिए। अक्टूबर के लास्ट में लगा है यह केस और उसका भी एक कारण है विशेष, तो उस नाते से मुझे लगता है कि अक्टूबर लास्ट में लगा है तो हो जाना चाहिए उस समय तक। वह अगर होता है तो 15 से 20 दिन के बीच बाकी एग्जाम तैयार है, सब केवल डेटशीट डिक्लेयर करनी है उनको और उत्तर देना है। अन्यथा 3.5 लाख लोग 15-20 नवंबर तक भी हो सकते हैं अगर यह फैसला आ जाता है, तो नवंबर के महीने में एग्जाम हो जाएं, दिसंबर में रिजल्ट निकल जाए और फिर उसके साथ साथ दिसंबर में नया भी ग्रुप सी का 2023 का सीईटी हो सकता है। इसको लेकर आपको क्या कहना है हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।